बहरहाल यहाँ पे CAIIC आपने याद रखना है कि अगर, लेकिन मैंने रखे संभाल के हैं, तो ये 2012 का पेपर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू मुनीर हुसैन मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1-4 जो आपका पेपर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है उसको हल करेंगे। तो इसके लिए मैंने चुना है एक पेपर जो कि आज से 12 साल पुराना है। 12 साल पुराना पेपर चुनने की वजह यह है कि इस तरह के पेपर रिपीट भी हो जाते हैं, बिल्कुल सेम आ जाते हैं। 5 साल तो आप लेते हैं लेकिन हमारे पास तो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो मैं 2012 का एनुअल पेपर मुल्तान बोर्ड का वो आज करवाऊंगा। और इसका जो पहला सवाल है उसमें मैं कहा गया है कि आपने बताना है कि सेट 1-1 क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारा पहला सवाल है। पहले सेट को नाम देंगे ए और ये होगा 1-1। उसके बाद आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देखें आपने विद इन 25 मिनट्स 8 क्वेश्चन करने होते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको करके दिखाऊं कि विद इन 25 मिनट्स हम ये 8 क्वेश्चन इस पेपर के करेंगे, क्योंकि 25 मिनट का आपका एक सेक्शन होता है चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आप कर लें और अगले 2 सेक्शन भी आपके जो हैं वो चैप्टर नंबर 5-8 हो गया और 9-13, तो 25-25-25 75 मिनट्स में, यानी 1.25 घंटा कह लें, उसमें आपने ये मुकम्मल करने होते हैं तीनों शॉर्ट क्वेश्चन, तभी आपके पास 1.25 घंटा बचेगा। तो 1 घंटे में आप लॉन्ग करेंगे और 15 मिनट आप रिवाइज करेंगे, पेपर में कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। तो अब यहाँ पे मैंने प्लस एप्लीकेशन के हिसाब से मैंने ये 9 बॉक्सेस बना लिए, तो ऊपर प्लस लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई। अब ये जो 1 है वो हमने यहाँ लिखना है और -1, इसी तरह यहाँ भी ये भी ऐसे आ जाएगा। अब ये जो 1 है, इधर भी 1 है, इसकी सीध में आप देखें 1+1 कितना होता है, तो सीध में देखना आप, ऊपर भी और लेफ्ट पे भी 1-1 0, यहां भी 0 आ जाएगा और यहां पे -2। इसी तरह से यहां पे देखें मल्टीप्लाई करना है 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस -1, -1 क्रॉस 1 और -1 क्रॉस -1। तो उसके बाद हमने ये देखना है कि जो इसके 4 आंसर आए हैं ये चारों के चारों इससे बिलोंग करते हैं या नहीं। जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है वो चारों के चारों इससे बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कि सो सेट ए हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओनली। अगर ये एडिशन भी साथ होता तो हम एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों का लिख देते, अगर सिर्फ एडिशन होता तो हम लिखते एडिशन ओनली, और अगर दोनों का ना होता तो हम लिखते डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो ये पहला सवाल था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि हमने यहाँ पे सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें -4, 7 ऑर्डर पेयर है, उसका हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन, बड़ी हमने जल्दी कर लिया। तो पहले चैप्टर जो दोनों शॉर्ट होते हैं वो आप करेंगे तो जो पेपर चेकर है उस पर आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिखने लगे हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फार्मूला। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है वो ऑर्डर पेयर के हिसाब से ही है, तो वो हमारे पास होता है a/a² + b² और -b/a² + b². तो अब यहाँ पे हमारा जो सवाल है वो है 4-7। अगर ये 4-7 की बजाय 4+7 आयोटा होता तो तब भी हम इसे पहले ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते, ठीक है, क्योंकि हमारे फार्मूला जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे अब हमने दोबारा यही लिखना है, मैं बिल्कुल ऐसे करके दिखाऊंगा जैसे आपने पेपर में सवाल करना है। क्वेश्चन लिखा करें उसके बाद सोल्यूशन लिखें और फिर ये वाला काम करें, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4-7। अब देखें यहाँ पे ए 3 जगह है और बी भी 3 जगह है, तो आपने क्या करना है ए को तीनों जगह पुट कर देंगे,
जहां जहां ए आ रहा है वहीं पे आपने ए की जगह 4 पुट कर देना है और बी की जगह आपने 7 पुट करना है और आपने ये ऑर्डर पेयर की जो ब्रैकेट है इसको लगाना नहीं भूलना। तो यहां पे देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इधर -7 के साथ भी यही कुछ होगा, नीचे सेम है दोनों के और ये आपका आंसर आ जाएगा 4/65 -7/65। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया क्योंकि सवाल ऑर्डर पेयर में था तो जवाब ऑर्डर पेयर। अगर ये सवाल होता 4-7 आयोटा तो यहां भी हम कहते हैं 4/65 और -7/65 आयोटा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 जो है वो चैप्टर नंबर 2 से है और ये साल से यही तरतीब चल रही है कि चैप्टर 1 से सिर्फ 2 शॉट आते हैं 4 नंबर के और 1 MCQ, वो भी हम करेंगे बारी बारी, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये अब हमारे पास सेट है प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड। तो टोटल जो इसके एलिमेंट्स है वो आपके पास हैं 4। तो इसका मतलब है कि इसमें जो आपके बनेंगे पावर सेट में जो मेंबर बनेंगे, सबसेट जो बनेंगे वो 2^4 16 बनने। अब वो 16 आपने करने किस तरह है वो जरा देख ले कि सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए से मुराद है पावर सेट ऑफ ए। तो यहां पे आपने पहले लेना है एम्प्टी सेट, उसके बाद आपने क्या करना है यहां पे आपने लेना है दूसरा जो एलिमेंट है सिंगल एलिमेंट आपने ले लेना है प्लस फिर माइनस उसके बाद क्रॉस उसके बाद फिर डिवाइड। ये आपने सिंगल ले लिए, अब आपने दो करके लेने हैं। तो प्लस के साथ पहले तीनों को लें, प्लस के साथ तीनों को ले लें, प्लस माइनस प्लस क्रॉस प्लस डिवाइड। अब आप क्या करें माइनस के साथ बाकी दो ले लें, माइनस क्रॉस माइनस डिवाइड और अब क्रॉस के साथ डिवाइड। अब आपने क्या करना है, अब आपने तीन करने, तीन को बड़े स्टाइल से प्लस माइनस के साथ क्रॉस, प्लस माइनस के साथ क्रॉस फिर प्लस माइनस के साथ डिवाइड, यानी पहले दो के साथ आपने तीसरा लेना है और चौथा लेना है। अब आखिरी दो के साथ पहला और दूसरा, प्लस के साथ क्रॉस डिवाइड और माइनस के साथ भी क्रॉस डिवाइड और आखिर में चारों आ जाएंगे प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड। तो ये आपका पावर सेट हो गया है प्लस माइनस क्रॉस डिवाइड का। तो ये थे पहले 3 सवाल, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन। देख लें आपके कितने टाइम में हमने 3 सवाल कर लिए हैं, अगर आपको चीज आती है तो आपके लिए मसला नहीं होता। अब यहां पे हमारे पास है कंस्ट्रक्ट करना है हमने ट्रुथ टेबल पी एंड निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी और उसके बाद है जी हमारे पास दिस इंप्लाइज क्यू। इसकी हमने ट्रुथ टेबल जो है वो बनानी है और ट्रुथ टेबल के लिए आपके पास बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपने यहां पे पहले लिखना और फिर क्यू और ये आपके जो पहले दो कॉलम है ये हर सवाल में आपके यही आएंगे डबल ट्रू डबल फॉल्स, सिंगल ट्रू सिंगल फॉल्स, ये चारों ऑप्शन इसमें आ जाती हैं, दोनों ऑन दोनों ऑफ, एक ऑन और एक ऑफ और एक ऑफ और एक ऑन, ये आपके पहले दो कॉलम आपके ये होते हैं। अब हम देखते हैं सवाल की तरफ, सवाल में आप देखें निगेशन मौजूद है, जिसकी निगेशन मौजूद है पहले आप उसकी निगेशन मालूम कर लें। तो निगेशन में क्या होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू, तो यहां देखें दो ट्रू हैं दो फॉल्स है, अब वहां क्या होगा वहां दो फॉल्स हो जाएंगे और दो ट्रू हो जाएंगे, ठीक है जी, ये निगेशन पी आ गया। अब हम आते हैं बिड मास का रूल, यहां भी अप्लाई होगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे पी एंड निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी। तो निगेशन का रूल ये होता है कि आपने दोनों देखने हैं ट्रू कहां पे हैं। अब अगर पी के एलिमेंट हम देखें तो पी के एलिमेंट है डबल ट्रू डबल फॉल्स और जो निगेशन पी है उसके हैं डबल फॉल्स और डबल ट्रू, तो आप देखें दोनों ट्रू हैं कहीं पे,
नहीं है, तो इसका मतलब है कोई भी ट्रू नहीं आएगा, ये सारे जो हैं आपके क्या होंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रू कहीं भी नहीं थे। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा है, वरना आप यहीं से देखें, ठीक है। अब हमारा आखिरी मरला रह गया है पी एंड निगेशन पी और इम्प्लीकेशन क्यू। तो पहला जो एलिमेंट है वो ये होता है, अगर और इम्प्लीकेशन में पहला हमने देखना होता है ट्रू, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू है। अब पहले एलिमेंट ये वाले, इसमें कोई भी ट्रू नहीं है, तो हमारा काम आसान हो गया कि कोई भी फॉल्स नहीं है, तो ये सारे आपके ट्रू आ जाएंगे। तो ये हमारी है टॉटोलॉजी, इसको हम कहते हैं टॉटोलॉजी। तो ये चार सवाल थे, पहले चार सवाल हमने बड़ी आसानी से कर लिए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है जी, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4। तो मॉड्यूलो 4 है और उसकी हमने टेबल बनानी है और एडिशन की बनानी है। तो बड़ा आसान होता है, मॉड्यूलो का मतलब होता है, मॉड्यूलो 4 का मतलब है कि 4 नहीं आएगा। जी हाँ, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 क्वेश्चन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे, ये यहाँ प्लस आएगा 0, 1, 2, 3 ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ लिख लेंगे, क्वेश्चन का नंबर देंगे, जैसे क्वेश्चन 2 है, फिफ्थ पार्ट है, ये आप क्वेश्चन लिखते हैं। उसके बाद यहाँ आता है सोल्यूशन। तो मैं जितने काम कर रहा हूँ मैं इसके बाद वाले आपको कर रहा हूँ, ताकि ये काम तो आपको आता ही है, जो सवाल समझने वाला काम है वो मैं आपको जल्द अज जल्द करा दूँ। 25 मिनट ना लगे मुझे इन 8 सवालों को करने में, और अगर आप कहेंगे तो मैं बाकी 4 जो चॉइस वाले हैं वो भी समझा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो, अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो, वो मुझे अंदाजा हो जाता है वॉच टाइम से। तो यहाँ पे देखें, आप ऐड करना है, तो पहले ये जीरो है ना, ये सब में ऐड करना है आपने। तो जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो सारे एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने ऐड करना है 1, तो 0 + 1, 1 + 1, 1 + 2। आप कहेंगे बड़े आसान सवाल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अब 1 + 3 होता है 4, तो 4 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, क्या रिमाइंडर है, 0। 0 यहां लिखेंगे, बस यही है मॉड्यूलो 4 के, 4 आ जाए या 4 से बड़ा आ जाए आपने उसे डिवाइड करना है और रिमाइंडर यहां लिखना है, ठीक है। अब 2 को जमा करें, 0 + 2, अब ये 4 आया हुआ है, 4 का 0 होता है 5, एक और तरीका देख लें, 5 आ जाए, तो आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 × 1 = 4, 1 रिमाइंडर, उसको यहां लिखते हैं, बड़ा सिंपल है। अब 0 + 3, 3 + 1 = 4, तो 0 हो गया, 3 + 2 = 5, तो 1 हो गया, 3 + 3 = 6, तो 2 हो गया, 2 हो गया। मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये देखें 4 × 1 = 4 and 2। कैसे आप देखें मॉड्यूलो और रेजिड्यू, इनसे परेशान नहीं होना होगा, आप जस्ट प्रैक्टिस करें, और जो प्रैक्टिस करें वो क्वेश्चन वाइज करें, कि आप क्वेश्चन 2 बार बार प्रैक्टिस करें, जब उसमें आप माहिर हो जाएं तो फिर क्वेश्चन 3 पे जाएं। ये आखिरी जो मंथ होता है ना, उसकी ये टेक्निक होती है, पेपर से पहले जो लास्ट मंथ होता है। तो ये हमारे 4 सवाल मुकम्मल, 5 सवाल हमारे मुकम्मल हो गए हैं, और आपने देखा कि इन 5 सवालों में हमें कोई मसला नहीं हुआ, बड़े आराम से हमने किया है। टाइम आप देख लें, मैं तो बाद में देखूंगा जब वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिफाइन ग्रुप। तो ग्रुप जो है उसको डिफाइन करने में आपको सारी बात प्रॉब्लम होगी, तो आप ये सवाल स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप की डेफिनेशन, या सेमी ग्रुप की, या मोनाइड की, ग्रुपाइड की, एबेलियन ग्रुप की, सारे आपको परेशान करते हैं चीज़ें। तो इसका होता है जी GSM GA, ये आपने जो है याद रखना है लफ्ज़ GSM GA। उसके साथ जो आपने चीज़ याद रखनी है वो है CA II C। तो इसमें आपके पास जो है ना, ये एक लतीफ़ा इस पे याद आ जाता है कि एक पुराने ज़माने की बात है, एक देहाती की नबहस गुम हो गई, उसे वहाँ पे SHO ने लिफ्ट नहीं कराई, वो बेचारा शहर आ गया, शहर आकर DSP ऑफिस तक पहुँच गया, वहां आके उसने DSP साहब को बताई सारी कहानी, तो DSP साहब ने OIC, तो उस पर देहाती ने कहा सर आई से थी फड़ लेनी सी। बहरहाल यहाँ पे CA II C आपने याद रखना है कि अगर क्लोज्ड है, सेट क्लोज्ड है, तो वो क्या होगा, ग्रुपाइट।
अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है तो वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। इसको सेमी ग्रुप इसलिए नाम देते हैं कि ग्रुप के लिए चार होती हैं, दो प्रॉपर्टीज हो गई तो ये सेमी ग्रुप बन गया आधी होने पे, ठीक है। और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है तो वो मोनाइड है, और अगर इनवर्स भी आपका मौजूद है हर एक का तो वो ग्रुप बन जाता है। और उसके बाद यहां पे अगर कामुटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो अब ग्रुप की डेफिनेशन के लिए आप क्या कहेंगे, अ मोनाइड हैविंग इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच इज कॉल्ड ग्रुप। सो इजी डेफिनेशन, सेमी ग्रुप की आएगी। अ ग्रुपाइड हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। तो ये मैंने बड़ा आसान तरीके बता दिया, इन पांचों में से कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसके चार शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। अब आ जाते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड के जो होते हैं वो लेंथी होते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे यहाँ से छः आपके पूरे हो जाएँ। तो अब आप थर्ड से वो करें जो आपको ईजी लगते हैं, जो ईजीली जल्दी आप हल कर सकें। तो उसमें जो सवाल हमारा पहला है, ये पेपर बड़े पुराने पेपर है मेरे पास, लेकिन मैंने रखे संभाल के हैं, तो ये 2012 का पेपर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ पे आपको जी। इसमें क्वेश्चन हमने जो है मैं डाटा बना लेता हूँ, गिवन ये छठा पार्ट है और इसका मैं यहाँ पे डाटा बना रहा हूँ। सवाल आप लिख लीजिएगा, सोल्यूशन लिख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन, उसके बाद गिवन पे आ जाते हैं। तो गिवन हमारे पास है एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री वन थ्री वाई माइनस फोर और इक्वल है जी ये y1 माइनस थ्री एंड 2x। अजान हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा वक्फा देते हैं और फिर आपको यहीं से दोबारा ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइट भी आ गई है, अजान भी हो गई है, अजान की वजह से लाइट भी आ गई है। तो अब हम करते हैं ये सवाल जो मैंने बताया था आपको। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है। मैंने दूसरा आ जाए तो थ्री वाई माइनस फोर किसके बराबर है, टू एक्स के बराबर। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें जो y की वैल्यू आई है वो पुट कर देनी। क्या वैल्यू, x प्लस थ्री। तो यहां लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y, तो ये आ जाएगा थ्री टाइम x प्लस थ्री माइनस फोर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये बनेगा आपका थ्री एक्स प्लस नाइन माइनस फोर माइनस टू एक्स इक्वल जीरो। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। आप क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन वन है उसमें पुट कर देंगे, पुट इन वन। तो ये आपके पास आएगा वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू। तो एंड में आपने लिखना है, बाद में आंसर बताना है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टू। मैं इस तरह करवा रहा हूं कि ताकि आपके कहीं भी नंबर न कटे। तो ये हमारे सात सवाल जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने आठवां सवाल की तरफ, और आठवां सवाल हमारे पास है, उसमें हमें मैट्रिक्स एक दी हुई है। मैट्रिक्स वाले सवाल वैसे तो हम चॉइस से छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन ये सवाल इतना टाइम टेकिंग नहीं है जितना लग रहा है। जब आप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा इसका, क्योंकि हम तो कराते रहते हैं, हमें पता होता है कि सवाल क्या। पेपर में हमेशा कोशिश करते हैं चैप्टर भी कि बच्चे जो है वो जल्दी पेपर टाइम से कर सके। तो यहाँ पे देखिए, आपकी पहली मैट्रिक्स हमें दी गई है जो कि 3x3 ऑर्डर की है, और इसके हमने दो को फैक्टर्स जो है वो मालूम करने हैं। तो ये यहाँ पे आपकी, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है जी। और आपने अब पहले मालूम करना है जी A12। अब A12 वन का मतलब होता है रो नंबर, तो पहली रो, दूसरा कॉलम, ये वाला ये A12, इसका को फैक्टर हमें मालूम करना है A12। तो माइनस वन की पावर हो जाएगी वन प्लस टू, वन टू है तो वन प्लस टू। उसके बाद इसका माइनर आएगा, माइनर में हम इसकी ये सीधे लाइन खत्म कर, तो क्या आया जीरो जीरो
और माइनस टू वन। अब देखिए पहली रो क्या है, सारे एलिमेंट जीरो है तो आंसर जीरो, इधर मल्टीप्लाई है जीरो तो ये आपका आंसर जीरो आ जाएगा। आगे आप लिख देंगे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो आर जीरो। अब आ जाए ए थ्री टू हमें मालूम है तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए वन टू क्वेश्चन मार्क और ए थ्री टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन लिखना है सोल्यूशन, उसके बाद ये काम करना। अब मैं इसको खत्म कर देता हूँ ताकि आप जब ए थ्री टू मालूम करें तो आपका फोकस जो है वो उसकी तरफ ही होना चाहिए जो हमारे पास वैल्यूज है। ठीक है तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये माइनस टू ए थ्री टू, तीसरी रो दूसरा कॉलम इसकी सीध में खत्म, तो क्या आएगा माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू और इसका जो गो फैक्टर है वो क्या है माइनस जो है वन माइनस थ्री और जीरो जीरो। इसके सेकेंड रो के एलिमेंट जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा। देखिए कितना टाइम लगा, लेकिन बात प्रैक्टिस की है कि अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर आप फर्क करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें 16 नंबर पूरे लें, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अब हमारे 8 सवाल हो गए मुकम्मल, अब हम आते हैं अपने जो चॉइस वाले क्वेश्चन है, अगर आप वो करना चाहें कर लें, आपने 8 पूरे, आपने जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना, ये बात ध्यान में रखिए क्योंकि पेपर चेक कर इससे काफी नाराज होता है आपको। जो 8 परफेक्ट आते हैं ना वो करें आप, जो जल्दी भी कर सके और परफेक्ट भी आप। इसमें हमें कहा गया है कि ए जो है वो आपके पास सिमेट्रिक है, ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। मैंने अभी वीडियो बनाई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे दोनों चैनल पे, लेटेस्ट आप जाके देख लेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लाभ भी देखिएगा। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दूसरे चैनल पे बनाना प्लस माइनस, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये हमें गिवन है और हमें साबित करना है कि इसका जो स्केयर होगा वो सिमेट्रिक होगा, यानी ए स्केयर का ट्रांसपोज जो है वो ए स्केयर होगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखें कि यहां पे आपने देनी है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्केयर का ट्रांसपोज यानी ए इंटू ए का ट्रांसपोज। अब जो फार्मूला है ट्रांसपोज का वो होता है ए बी का होल ट्रांसपोज, हम देते हैं तो बराबर आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सेकेंड पहले फर्स्ट बार में, यहां तो दोनों सेम है तो हम इसके अंदर टर्म के लिए कर देते हैं। ठीक है तो ये पहले बगैर टर्म के लिए वाला आ जाएगा, बाद में टर्म के लिए वाला आ जाएगा। ठीक है तो ये आपके पास अब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, कहां यहां से, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, आपने कोई मौका नहीं देना कि आपका नंबर कटे। अब ये आपके पास आ जाएगा जी ए स्क्वायर और ये आपका बना राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसका मतलब ए लिख देंगे। सो इफ ए इज सिमेट्रिक then its square is also symmetric. अगर आपने किया हो तो आपको याद होगा कि वहां पे हमारे पास skew symmetry भी था, लेकिन पेपर में सिर्फ आया है symmetric, क्योंकि उनको एहसास है बच्चों का कि बच्चे जो हैं इन्होंने टाइम में पेपर करना है। तो अगला जो सवाल हमारे पास है वो है define extraneous root. अब जो extraneous root होता है वो ऐसा root होता है कि जब वो सवाल का हिस्सा नहीं होता, solution set का part नहीं होता, तो बड़ी आसान सी definition है इसकी कि extraneous root is a root which does not satisfy the equation. ठीक है, आप बुक में जाके इसे देख लीजिए, मैं लिखने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, इसमें हमें कहा गया है prove that sum of cube root of unity are zero. तो सबसे पहले आपने करना है let omega जो का आपका cube root होता है complex, उसको plus में ले लें और फिर आप ले लें omega square, उसको minus में ले लें और तीसरा वाला होता है आपको पता ही। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है यहां लिख दें लेट वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका सम जीरो साबित करना था, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दोबारा हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको पुट कर दें आप, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू, हमने खुद लेट किया, इसको प्लस माइनस कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, यहां पे टू नहीं है तो ये टू बन जाएगा, ये दोनों एज इट इज उतरेंगे, माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा
माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आई ओटा, ये कट गया। बाकी क्या बचा, टू माइनस टू ओवर टू जीरो बाय टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका ये सवाल भी आप कर सकते हैं अगर आप उनको पहले आपको आठ नौ दस में से कोई नहीं आता। तो अब रह गया जी हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें बतानी है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको पता है कि हम लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जो है वो पॉजिटिव में है तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल, और नेगेटिव होने की सूरत में कॉम्प्लेक्स, और इक्वल सिर्फ होंगे जब जीरो आंसर आएगा। तो इस तरह के सवालों में आपने स्टार्ट जो करना है वो आपने हमेशा कंपेयर से स्टार्ट करना है। कंपेयर जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको कंपेयर करेंगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ये देखें a की जगह यहां वन है तो a वन आ जाएगा, और b आपके पास माइनस फाइव और c आपके पास सिक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने डिस्क नहीं पूरा लिखें डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि बाज चेकर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, डिस्क के लिए बला आई तो इसलिए डिस्क से बचना है आपने। यहां आपने लिखना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये आपके पास जो b है वो है माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर, ए आपके पास वन है और c आपके पास सिक्स है। तो ये आपके पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, ये सवाल है हमारे पास, देखो ना एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स जी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये ट्वेंटी फाइव आ गया, ये ट्वेंटी फोर, तो क्या आ गया वन। अब जब आपके पास ये वन आया है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है डिस्क जो है वो क्या होगी, सॉरी रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। ये हमारे देखें 12 के 12 सवाल मुकम्मल हो गए, और आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी इनको किया है, मैंने साथ से समझाया भी है। आप प्रैक्टिस करें 25 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हल करने की, और अब आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मैंने अगली जो वीडियो बनानी है वो इसी 1 टू 4 के सवालों की दोबारा बनानी है या 5 टू 8 पे जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Thank you.